तमाम बातों पर, पार्टी के नहीं ना है, पार्टी समाज के, तो फिर पार्टी समाज सब। अरे नीतीश जी को कोई भी कुशवाहा कहने में दिक्कत नहीं है, मांझी जी को अपने आप को मांझी कहने में दिक्कत नहीं है, मुकेश सहनी को अपने आप को मलाह कहने में दिक्कत नहीं, चिराग पासवान को अपने आप को पासवान कहने में दिक्कत नहीं है, तो फिर ये सवाल हमसे क्यों किया जाता है कि आप जातिवाद करते हैं? जातिवाद तो ये लोग करते हैं, 500 करोड़ खर्च के जाति जनगणना गिनवा रहे थे। हम थोड़े कहते कि आप जाति जनगणना करवाई, जब आप जाति जनगणना करवाए हैं तो अधिकार तो मांगने करेंगे। जब आपने जाति आग लगाया है बिहार में, तो उस आग में हम अपने समाज को बचाने के लिए पानी लेकर उतरवे करेंगे। स्वर्ण सेना के युवा नेता हैं पुरुषोत्तम राज, अभी यहाँ पर कई बातें यह बता रहे थे और अभी हम जानेंगे कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है और इस सरकार से क्यों कटता है, क्यों इतना आग उगलते हैं आप? इस सरकार से हम कटने वाले लोग नहीं है और सरकार के खिलाफ हम आग बबूला नहीं है, सरकार के नीति के खिलाफ हम आग बबूला है। और वर्तमान में जो सरकार महागठबंधन का इस बिहार में चल रहा है और जिस प्रकार से खेल चल रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इसके लेकर मैं इनके खिलाफ में बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा। जब तक इन बिहारियों के साथ खिलवाड़ करेंगे तब तक हम इनका खिलाफ करते रहे। अब तो स्वर्णों को सम्मान मिल रहा है, MLC बनाए, विधायक बनाए और मंत्री बनाए, इतना चीज बनाए, तब का चाहिए? जितना जल्दी मंत्री बनाए उतना ही जल्दी मंत्री छीन भी लिए। एक आरोप कार्तिकेय सिंह पर लगा, मंत्रालय से हटा दिया गया। सुधाकर सिंह किसान की आवाज उठाए, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव का मंत्रिमंडल का जगह क्यों नहीं खत्म होता है? जब सुरेंद्र प्रसाद यादव लगातार असंवैधानिक काम करते हैं, अमानवीय कार्य करते हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगता है, यहां तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेता NDA के जीत की दावा करता है और बिहार के सरकार में मंत्री है, उनका मंत्रालय क्यों नहीं खत्म होता है? ये जो खेल स्वर्ण विरोधी इनका है वो साफ दिखता है रविकांत जी, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बतलाइए ना, मंत्री संतोष कुमार सुमन का सीट जितना जल्दी खाली होता है, इतना तेजी में रत्नेश सदा कोला के प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, जैसे मानो कि कुछ जल्दीबाजी इनका, एकदम फास्ट चल रहा था इनका गाड़ी। एक भूमियार का मंत्री गया, एक सुधाकर सिराज कुछ समाज से आने वाले मंत्री का जगह खत्म हुआ, आज 7 महीने से ऊपर बीत गया, अभी तक इन्होंने मंत्री क्यों नहीं बनाया? तो आप जैसे कि स्वर्ण सेना के तहत आप अपना आवाज बुलंद करते हैं, अभी आप कुछ दिनों पहले VIP पार्टी में थे, पार्टी में थे क्या? पार्टी में है भी? पार्टी में है, बिल्कुल पार्टी में है। तो ये पार्टी आपका कुछ और बोलता है, आप कुछ और बोलते हैं। आप देखिए, हर लोग का एक अपना विचारधारा होता है, पार्टी का विचारधारा ये नहीं होता है किसी जाति विशेष को बात करना। नहीं तो आप तो करते हैं भूमियार से बाहर, मैं बतला रहा हूँ, जब किसी को सन ऑफ मलाह कहने में दिक्कत नहीं है, किसी को सन ऑफ चमार कहने में दिक्कत नहीं, किसी को सन ऑफ मुसर कहने में दिक्कत नहीं, किसी को सन ऑफ ब्राह्मण कहने में दिक्कत नहीं है, अब हम अपने आप को सवर्ण का बेटा बता रहे, सवर्ण समाज का बेटा बता रहे, तो फिर तकलीफ क्यों होना चाहिए सबका? सबके इस लोकतांत्रिक राज्य में सबको मांगने का अधिकार है। मैं भी मांगता हूँ अपने समाज के लिए और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर लड़ेगा कौन? तो सभी का उठाइए, तो हम गरीब दलित पिछड़ा, इसका ठेकेदार हम ही है, पिछड़ा उठाता है कि पिछड़ा। नेता कैसे बनेगा? नेता नहीं बनना हमको है। अच्छा, नेता नहीं बनना हमको है, हमको एक समाज सेवी बनना है, समाज का बेटा बनना है, जिस समाज में हम बड़े पैदा लिए, जिस समाज में पले बढ़े हैं, उस समाज के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे और उस षड्यंत्र में हम शामिल होकर के षड्यंत्र रचने में मदद करे, तो हमसे हरामी कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता है। मैं समाज के उत्थान की बात करता हूं और हमें लगता है कि हमें जैसे युवाओं को करना चाहिए, पार्टी संगठन के झंडा धोने से क्या फायदा है? तो ये क्या लगता है आपको, जाति जाति करने से आपका नेतागिरी चमक जाएगी? बिहार में तो जाति सेना, बिहार में जाति जाति करके ही तो लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जाति जाति करके लोग उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और हम जाति जाति करके अपने समाज को न्याय नहीं दिलवाएंगे, ये कैसा संभव है भाई? हम अपने जाति के लोगों को न्याय दिलवाएंगे। इन लोगों को बताना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को कि 90 में कहते थे कि जंगल राज है, सेनारी नरसंहार, बाथे नरसंहार का डर हम लोग ये दिखाते थे। इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपके नालंदा में एक जेल में निर्मम तरीके से भूमियार को कैसे काट दिया गया ये सुशासन की सरकार में। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 1 साल पहले मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर सिंह की हत्या कर दिया गया था। आपको जवाब देना पड़ेगा कल रात आशुतोष शाही का हत्या हुआ है, जवाब आपको देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही जहानाबाद में हत्या कर दिया गया है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि बेलागंज के विधायक
एक राजपूत महिला के खिलाफ अभदनीय टिप्पणी किए थे, अमानवीय टिप्पणी किया गया था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए अपराध में तो अब उसमें जाति देख के थोड़ी है अपराध होता है, या अपराधी भाई कानून क्या आपका काम कर रहा है? पिछड़ा और दलित में भी तो हत्याएं हो रही है, पिछड़ा और दलित में हत्या हो रहा है, ये लोग छाती पीटते हैं, भोग विलाप करना शुरू कर देते हैं, वहां पर मंत्री और मुख्यमंत्री का लाइन लग जाता है जाने वाले का। मैं तमाम हत्या का जो आपके सामने उदाहरण दिया, एक भी हत्या ये बता दो दिल पे हाथ रखे जहां गए होंगे इनके लोग देखने के लिए, मतलब भेदभाव करती है बिल्कुल भेद। नीतीश लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे भूरा बाल साफ करो, और नीतीश कुमार जी उनके पद चिन्हों पे लग के भूरा बाल साफ करने का काम कर रहे थे, एगो नारा देने वाला और काम करने वाला दोनों एकजुट हो गए हैं। तब तो साफ का पूरा जबरदस्त तैयारी चल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। हम लोग संघर्षशील जीवन जीने वाले व्यक्तित्व के लोग हैं और अपने संघर्ष से कभी भागने वाले नहीं है। देखिए जाति जाति करके कुछ पार्टी उटी बन जाता है, पार्टी बन के कुछ विधायक उधायक आप लोग बन जाएगा, फिर आपका जाति पीछे छूट जाएगा, पुरुषोत्तम अमीर बन जाएंगे, विधायक सांसद पूरा एकदम। ये तो भविष्य की बात है ना, अभी वर्तमान की स्थिति देखना होगा। अगर पुरुषोत्तम राज को जमीन बेच के अमीर बनना रहता तो पुरुषोत्तम राज जदयू और वीआईपी में कंफर्टेबल था। अच्छा अभी वीआईपी क्या कर रहा है मुकेश सहनी वाला? अब मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं मुकेश सहनी जी जानेंगे, हमसे उनका थोड़े व्यक्तिगत रिश्ता है, बातचीत होते रहता है कि हमको पता चलेगा कब वो क्या करेंगे। ये राजनीति पार्टी छोड़ दिए, छोड़ कह देंगे भाई ना। हम पार्टी को क्यों छोड़ देंगे? पार्टी को हम छोड़े क्यों? हम एक पार्टी में हैं, लेकिन हर लोगों का अधिकार है इस लोकतांत्रिक देश और इस लोकतांत्रिक राज्य में अपने समाज के बात को उठाना हर लोगों के अधिकार है, तो हम भी उस अधिकार पे काम कर रहे हैं। नीतीश जी आपके समाज के इतना सम्मान दिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कौन है? ललन सिंह। हाँ एगो मंत्री विजय चौधरी मंत्री हैं, कौन है? हाँ विजय चौधरी है। हाँ बोलिए बोलिए। फिर और भी जितना है सब तो आपका स्वर्ण समाज के वहाँ। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री किसके दम पे हैं? अगर ललन सिंह विजय चौधरी अनंत सिंह इनको साथ नहीं दिए होते तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं? अरे आपको हमने मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार जी भले भूल गए होंगे और इस बात का गुमान हमें मत दिखलाइए कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, विजय चौधरी को मंत्री बना दिए तो ये भूमिहार समाज से आते थे। अरे ये लोग डिप्टी सीएम लायक व्यक्ति थे जिसको आपने मंत्री बना के एक छोटा कद दिया, छोटा पद दिया है। आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थे। लालू से 90 के दशक में लड़ाई समाज ने लड़ा है और इस समाज का डायरेक्ट लड़ाई का बेनिफिट नीतीश कुमार उठाए हैं, इस बात को उनको कहने में क्या दिक्कत है कहिए। ये ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, विजय चौधरी मंत्री बन गए, ये उनके पार्टी में कम कद और पद मिला है उन लोगों को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई छोटा मोटा पद? राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई छोटा पद और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति ने संघर्ष करके नीतीश कुमार के सत्ता पे बैठाया, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दिए तो ये क्या उनसे बड़ी बात हमको दे दिए? आप क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम मुख्यमंत्री नहीं चाहते, हमको अधिकार, हम अधिकार चाहते हैं, सवर्ण आयोग का गठन चाहते हैं, ईडब्ल्यूएक्स में उम्र सीमा के छूट चाहते हैं। 10% दिए ना आरक्षण मोदी जी दिए, लेकिन बिहार सरकार कितने बार इसको लागू किया? सीटेट के एग्जाम में 10% आरक्षण गायब है। बीपीएससी के जो पीटी के रिजल्ट निकालने के बाद बिहार सरकार दलित महादलित ओबीसी सबको प्रोत्साहन राशि देती है, सवर्ण समाज को क्यों नहीं? देखिए ना भाई, नोटिफिकेशन में तो 10% आरक्षण रहा, 10% का आरक्षण हमको भारत सरकार से मिला, लेकिन बिहार सरकार उसके साथ अनदेखा किए हैं और बिहार सरकार को लगता है कि ये लोग मूर्ख लोग हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि हम लोग बुद्धिजीवी है, हल्ला कम और काम ज्यादा करते हैं। आ इनको दिखा देंगे आने वाला समय में ताकत, जैसे मोदी जी को ताकत दिखाए थे हम लोग 19 में, तो 10% का आरक्षण मिल गया हम लोग। ताकत मतलब कैसा ताकत? वोट का हम लोग उपद्रवी फटका पटकी का सिद्धांत नीतीश कुमार जी का है। क्या आप अपने अधिकार का मांग करिएगा तो आपको हत्या कर देंगे रोड पे पीट पीट के, नहीं तो आपको इतना लाठी डंडे मारेंगे कि आपकी आपका स्थिति क्या होगा जो आप खुद तय कर लीजिएगा। तो ये पटका पटकी वाला राजनीति नीतीश कुमार जी करते हैं। हम लोग मुद्दे पे लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं और हमें 5 मुद्दा है, 5 मुद्दा इन लोगों को लागू करना पड़ेगा। लागू नहीं करेंगे संघर्ष जारी रहेगा और दावे के साथ कह देते हैं कि आने वाला समय में इनको हम अपने बल और बुद्धि से इनको दिखा देंगे हम लोग के पास क्षमता क्या है। चलिए मुद्दा बताइए। पटना सहित अन्य राज्य में स्वर्ण छात्रावास हो, जब ईडब्ल्यूएस हमको मिला, ईडब्ल्यूएस मिला है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता है, तो जब हम आर्थिक रूप से कमजोर है ही तो हमको तो छात्रावास चाहिए। तो कई छात्रावास में तो स्वर्ण लोग ऐसे कब्जियाए हुए रहते हैं, उसमें और लोग नहीं कब्जियाए हुए, यही है, यही स्वर्ण समाज को लोग बदनाम किए हैं कि जमींदार है कब्जा कर लिया है। अरे हमसे ज्यादा कब्जाधारी लोग ये लोग हैं,
कब्जाधारी लोग का सर्वे कराई ना, सारे पता चले कौन कौन कब्जाधारी है। पटेल छात्रावास। दूसरा है सवर्ण आयोग का गठन हो, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जब सवर्ण आयोग बना था तो उसको रोका क्यों गया, और इसको संवैधानिक दर्जा हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी समाज के लोग, जो हमारे समाज की जो अभी विकट परिस्थिति है वो सरकार के समक्ष रहना चाहिए। यूपीएससी बीपीएससी में पीटी निकालने के बाद सभी छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, उसी प्रकार हम लोगों को भी प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में उम्र सीमा, आप बताइए हम 22 साल में बूढ़ा हो जा रहे हैं, कोई दलित महादलित 25 साल में भी बूढ़ा नहीं हो रहा, ये कैसा राजनीति है? मतलब आपके कहने का मतलब इस पॉइंट का मतलब कि नीतीश जी ने आपके ईडब्ल्यूएस में छूट नहीं, नीतीश जी ईडब्ल्यूएस को मैंने खा गए हैं, आरक्षण हमको लाभ नीतीश जी लेते हैं। अभी सीटेट का एग्जाम में 10% आरक्षण का कोई चर्चा ही नहीं है, का है भाई जो उनको मिला है तुमको अधिकार नहीं, 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 नोटिफिकेशन होगा ना उसमें है, आप देखिएगा, हम देख लिए हैं ना, देख लिए हैं, जो आता है ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने वाला उसमें ऑप्शन ही नहीं देता है, आप बताइए। चलिए उसके बाद आपने भी शिक्षक अभ्यर्थियों को देखे जिस प्रकार से लाठी डंडा खाए, उसमें भी सवर्णों के साथ खनन किया गया है, बहुत सा है। उसके बाद हम लोग का पटना के किसी चौक पे परशुराम जी का मूर्ति स्थापित हो, अरे परशुराम जी किसी जात के भगवान थोड़े थे, परशुराम जी के भगवान थे, उनका मूर्ति आप लोग क्यों नहीं लगाते हैं? उसके बाद हम भी चाहते हैं कि परशुराम जयंती व महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। ये लोग भामा शाह जयंती फलाने जयंती के लिए पूरी छुट्टी देकर, सरकारी छुट्टी हो जाता है, और ये लोग पार्टी वाले सारे एकदम अपने खर्च से पूरा बैनर पोस्टर लगा देते हैं, लेकिन जब महाराणा प्रताप जयंती मनाने की बात आता है, जब परशुराम जी की जयंती मनाना आता है, तो ये लोग देखते हैं कि चुनाव नजदीक है कि दूर है। जब चुनाव नजदीक रहता था महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाते हैं, परशुराम जी का भी जयंती मनाते हैं। ये खेल खेलना बंद कर दीजिए, ये आपको जयंती मनाना पड़ेगा। आप बताइए जिस बिहार को एक नया बिहार बनाने का काम किए थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, एक बिहार को आधुनिक बिहार का निर्माता उन्हें कहा जाता है, इस बिहार को पटल पे लाके खड़ा कर दिए थे, उनको तो आप जाति उनको लपेट जाति नहीं लपेटे हैं, उनको हम कहने कि श्री कृष्ण सिंह जी को अगर भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसको जवाब हमको चाहिए। और आप लोग श्री कृष्ण सिंह के जयंती को राजकीय तौर पर क्यों नहीं मनवाते हैं हर जगह पे? श्री कृष्ण सिंह कोई जात समुदाय के नहीं थे, बल्कि एक बिहार के वैसे व्यक्ति थे जो बिहार के लाकर के एक पटल पे खड़ा किए थे। आज उनसे नीतीश कुमार जी का तुलना कर दिया जाए तो बिहार के कहां डाल दिए हैं वो हम सबको पता है। चलिए तो ये बात कर रहे थे हम अभी स्वर्ण सेना के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी से तमाम चीजों और तमाम बातों पर, पार्टी के नहीं ना है, पार्टी हम समाज के, तो फिर पार्टी समाज सब। अरे नीतीश जी को कोई भी कुशवाहा कहने में दिक्कत नहीं है, मांझी जी को अपने आप को मांझी कहने में दिक्कत नहीं है, मुकेश सहनी को अपने आप को मलाह कहने में दिक्कत नहीं, चिराग पासवान को अपने आप को पासवान कहने में दिक्कत नहीं है, तो फिर ये सवाल हमसे क्यों किया जाता है कि आप जातिवाद करते हैं? जातिवाद तो ये लोग करते हैं, 500 करोड़ का खर्च जाति जनगणना गिनवा रहे थे, हम थोड़े कहते कि आप जाति जनगणना करवाई, जब आप जाति जनगणना करवाए हैं तो अधिकार तो मांगने करेंगे, जब आपने जाति आग लगाया है बिहार में तो उस आग में हम अपने समाज को बचाने के लिए पानी लेकर उतरवे करेंगे। चलिए काफ़ी ज़ोरदार बोलते हैं, युवा नेता हैं स्वर्ण सेना के पुरुषोत्तम जी, अभी के लिए इतना ही कहेंगे, इनकी मांगे और बातें हम सुनवा चुके हैं, बाकी अब बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।